ना समझ चिल्लाते हुए बारबेरियन से लेकर वार्डन की कुछ देर अमर होने की एबिलिटी तक क्लैश ऑफ क्लैंस के मैजिकल फॉरेस्ट में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पर इस चांद से दिखने वाले फॉरेस्ट में भी कुछ ऐसी मिस्ट्री छिपी हैं जिनका असली मतलब सिर्फ समय के साथ ही सॉल्व किया जा सकता है। और ऐसी ही एक मिस्ट्री है इसमें देखे गए जंगल हीरोज जो देखने में ना सिर्फ अब तक के सबसे अजीब हीरोज के वर्जन है, बल्कि वो हीरो कम विलन ज्यादा लगते हैं। और वैसे तो क्लैश विलेज के जंगल में बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरी छिपी हैं, पर आज मैं इस फॉरेस्ट की नहीं बल्कि एक एपिक जंगल की टेल बताने वाला हूँ जिसमें रहते हैं ये जंगल हीरोज। तो जंगल हीरोज की स्टोरी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले, जब क्लैश ऑफ क्लैंस की दुनिया में दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल होते थे और उसमें रहने वाले लोग पुराने समय की ही तरह कबीलों में रहते थे। उस समय में कुछ भी खास नहीं था और सिर्फ सर्वाइव करना ही एक बड़ी बात होती थी, और वो भले ही सर्वाइवल के लिए एक मुश्किल समय था पर फिर भी सर्वाइव करते हुए अगले 200 साल बीतने के बाद वो कबीला बढ़कर एक विलेज में बदल गया था। और वो आगे बढ़ता ही जा रहा था और हर दिन उसमें रहने वाले विलेजर्स जंगल को हटाकर और भी फैल रहे थे। उस समय में उनके लिए हर दिन एक जैसा ही होता था, हर दिन वो खाना ढूंढते और विलेज के लिए रिसोर्स लाते। पर एक दिन उस जंगल की एक्सप्लोरेशन में कुछ विलेजर्स उस जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर तक चले गए, और वो पहली बार था कि कोई विलेजर उस जंगल के इतना अंदर तक गया था और उस चीज को देख पाया था जो उस फॉरेस्ट के अंदर था। और कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि उस फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसा छिपा हो सकता था, क्योंकि जो वो उस फॉरेस्ट में देख रहे थे वो किसी मैजिक की तरह था। उस जंगल में हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी और इतनी अद्भुत चीज की खोज करने पर वो विलेजर्स बाकी विलेजर्स को भी उस जगह के बारे में बताना चाहते थे, पर उन विलेजर्स को शायद पता नहीं था कि भले ही वो फॉरेस्ट देखने में तो किसी सपने की तरह था, पर उसकी गहराई में एक बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा सांप रहता था। और इससे पहले वो वापस विलेज में लौटते उन पर उस बड़े से सांप ने अटैक कर दिया। उन विलेजर्स ने उस जैसा बड़ा सांप पहले कभी नहीं देखा था और उससे बच निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं था, पर इससे पहले वो पूरी तरह से बेहोश होते अचानक से वहाँ एक मास्क पहना कोई अजीब सा इंसान खड़ा था और उसने अपने अजीब से डॉल से पता नहीं क्या किया कि अचानक से सभी विलेजर्स अपने आप को हिल होते हुए महसूस कर पा रहे थे और वहाँ से वो बड़ा सा सांप भी गायब हो गया था। उन विलेजर्स ने उससे पहले इतने बड़े मॉन्स्टर या इतने ताकतवर इंसान को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था, पर उसे और उसकी ताकत को देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो कितने कमजोर और नॉर्मल थे, इसलिए वो उस मास्क पहने हुए इंसान को किसी भगवान की तरह मानने लगे जिसमें इतनी शक्ति थी कि वो उन्हें किसी भी खतरे से बचा सकता था। और फिर उस हादसे के बाद विलेज में सभी उस मास्क पहने हुए इंसान को उन्हें उस फॉरेस्ट में बचाने वाला जंगल वार्डन कहने लगे। उनमें से कोई नहीं जानता था कि उस मास्क के पीछे कौन था या फिर वो कहां से आया था, पर क्योंकि उसने उन्हें फॉरेस्ट में बचाया था उन्हें यकीन था कि वो उन्हें आगे भी फॉरेस्ट में बचाएगा, इसलिए उसके बाद फॉरेस्ट की खतरनाक चीजों से डरने की बजाय अब वो बगैर किसी चिंता के फॉरेस्ट में ना सिर्फ जा सकते थे बल्कि वो धीरे धीरे उस फॉरेस्ट में रहने भी लगे थे। और समय के साथ उन्होंने उस मैजिकल फॉरेस्ट के रिसोर्स को एक्सप्लोर किया और उन रिसोर्सेज की मदद से उनका विलेज समय के साथ एक विलेज से एक एम्पायर में बदल गया, एक एम्पायर जो इतना शानदार और अपने टाइम से इतना एडवांस कि वो सब किसी सपने की तरह लग सकता था। पर जल्द ही वो सपना एक बुरे सपने में बदलने वाला था, क्योंकि शायद उन विलेजर्स को भी पता नहीं था पर उनके उस फॉरेस्ट में आने से पहले वो फॉरेस्ट वहाँ रहने वाले हरे से क्रिएचर्स का घर था जिन्हें सब गॉब्लिन कहते थे और मॉन्स्टर समझते थे। पर अपने घर को इस तरह से उनसे दूर जाते हुए देखकर वो गॉब्लिन शांत नहीं रह सकते थे, इसलिए उन विलेजर्स को वहाँ से बाहर निकालने के लिए वो उनका गोल और रिसोर्स चोरी करने लगे। और उन छोटी छोटी बैटल्स के कारण जल्द ही विलेजर्स और गॉब्लिन्स एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। पर इतना बड़ा एम्पायर होने पर भी विलेजर्स उन गॉब्लिन्स के सामने कमजोर थे, क्योंकि गॉब्लिन से उलट उन विलेजर्स को उस फॉरेस्ट की मैजिक की कोई जानकारी नहीं थी और उस मास्क पहने हुए जंगल वार्डन की मदद के बिना शायद वो बहुत पहले ही हार गए होते। पर वार्डन के होने के बावजूद भी उस लड़ाई का कोई अंत नहीं था, इसलिए उस रोज रोज की लड़ाई को खत्म करने के लिए और गॉब्लिन से जीतने के लिए सभी विलेजर्स एक दिन इकट्ठे होकर वार्डन के पास गए और उसे अपने मैजिक से उनकी मदद के लिए कहा। पर जंगल वार्डन जो एक इविल ब्लैक मैजिशियन की तरह दिखता जरूर था पर वो गॉब्लिन्स के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करने के खिलाफ था, क्योंकि इतने समय से उस फॉरेस्ट में रहने के बाद वो चाहता था कि विलेजर्स उस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक शांत रास्ता अपनाए, पर विलेजर्स उस समय सिर्फ जीतना चाहते थे। इसलिए विलेजर्स ने उससे रिक्वेस्ट की और उसे समझाया कि वो उसे बस उन छोटे गॉब्लिन्स को अपनी पावर से डराने के लिए कह रहे हैं। वार्डन को वो आइडिया कभी पसंद तो नहीं था, पर बार बार विलेजर्स की रिक्वेस्ट सुनने पर वो उनकी मदद के लिए मान गया और अपने खास वुडू ब्लैक मैजिक से उसने उसी मॉन्स्टर स्नेक को वहाँ लाया जिसने कई साल पहले उन विलेजर्स पर अटैक किया था। और अपने मैजिक से उसने उस सांप को एक सुंदर पर खतरनाक आधे इंसान और आधे सांप जैसे क्रिएचर में बदल दिया जिसे वो सरपेट क्वीन कहता था।
वो वार्डन का एक कमाल का मैजिक था, पर वार्डन ने गलती से उस सर्पेंट क्वीन को कुछ ज्यादा ही अच्छा बना दिया था, इतना कि कोई भी बस उसकी आंखों में देखते ही उसके डर से अपनी लड़ने की हिम्मत खो सकता था। और क्योंकि वार्डन नहीं चाहता था कि गोब्लिन्स और विलेजर्स एक दूसरे को डर की नजर से देखे और उनकी आपस की गलतफहमी और भी बढ़े और वो और भी ज्यादा एक दूसरे से दूर हो जाए, इसलिए उस सर्पेंट क्वीन की पावर को कंट्रोल में रखने के लिए वार्डन ने उस फॉरेस्ट में मिलने वाले एक खास मैजिकल पत्थर पर अपना ब्लैक मैजिक यूज किया और उस पत्थर को किसी इंसान की तरह दिखने वाले स्टोन गोलम में बदल दिया। वो स्टोन गोलम किसी जीवित इंसान की तरह था जिसे वार्डन ने क्वीन को सेफ रखने का ऑर्डर दिया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि भले ही वो गोलम पत्थर से बना था पर उसके दिल में वार्डन की ही तरह प्यार भरा था और पूरे क्लैश विलेज में उससे शांत चीज कोई नहीं थी। और उसके ही कारण जब सर्पेंट क्वीन और विलेजर्स गोब्लिन को डराने के लिए गए तो स्टोन गोलम ने अपनी अच्छाई से ना सिर्फ गोब्लिन को उस लड़ाई को छोड़ने के लिए मनाया बल्कि उसने सर्पेंट क्वीन को भी थोड़ा नरम दिल बना दिया था। और जब वार्डन को पता चला कि उसकी उन क्रिएशंस ने क्या किया था वो ये जानकर बहुत खुश था और उसे यकीन था कि वो दोनों मिलकर उस एम्पायर को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि वो उसे एक अच्छे फ्यूचर की ओर भी ले जाएंगे। और विलेजर्स को भी उन पर यकीन था और जल्द ही सभी विलेजर्स उन दोनों को जंगल किंग और जंगल क्वीन कहने लगे। और क्लैश विलेज में चीजें एक बार फिर शांत थी और जंगल किंग ने गोब्लिन से अपनी दोस्ती पक्की करने के लिए उनके नाम पर अपने उस एम्पायर में उनके स्टैचू भी बनवाए और सभी उस फॉरेस्ट में शांति से रह रहे थे। पर वो अच्छा समय कुछ देर ही रहने वाला था क्योंकि वार्डन की मैजिक की एक लिमिट थी और जब वो खत्म हुई तो जंगल वार्डन का मैजिक एक कर्स में बदल गया जिसके कारण जंगल किंग एक बार फिर स्टोन स्टैचू में बदल गया। और जंगल किंग के इस तरह से गायब हो जाने के कारण जंगल क्वीन तबाही के रास्ते पर चल पड़ी जिसके कारण वार्डन को उसको फिर से वहीं भेजना पड़ा जहां से उसने उसे लाया था। उन दोनों के जाने के बाद वार्डन पहले जैसा नहीं रहा था, वो पहले से उदास था, इसलिए उस फॉरेस्ट की देखभाल करने की बजाय वो लापरवाही से रहने लगा और वो बस यही सोचता था कि वो उन जैसे अच्छे लीडर्स को फिर से ढूंढ सके जो उस किंगडम को आगे बढ़ाएं। इसलिए उसने अपने जंगल वार्डन की लाइफ छोड़ दी और जंगल वार्डन की लाइफ को छोड़कर वो एक टीचर बन गया और उसका सबसे पहला स्टूडेंट था लिनो नाम का एक गोब्लिन और जिससे वार्डन को उम्मीद थी कि वो एक दिन उससे भी महान मैजिशियन बनेगा और गोब्लिन्स और विलेजर्स को एक साथ लाएगा। पर उसकी एक गलती के कारण वो एपिक फॉरेस्ट और जंगल हीरोज के समय का अंत था। लिनो कौन था और वो कितना महान बना इसकी आप पूरी स्टोरी जान सकते हो गोब्लिन किंग की मूवी में। पर अंत में वार्डन जब उस फॉरेस्ट को नहीं बचा पाया तो वो वापस ओरिजिनल ट्राइब में गया, यहां से ये सब शुरू हुआ और ये वही जगह थी जहां पैदा होने वाली थी जंगल हीरोज की लास्ट मेंबर जंगल चैंपियन। जंगल हीरोज की स्टोरी भले ही एक हैप्पी एंडिंग नहीं थी और अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद इस स्टोरी का एंड कुछ और होता, पर वो एक शुरुआत थी एक फ्यूचर की जो हम अपने सामने देख रहे हैं। एल्विन ने टाउन हॉल 14 के सामने खड़े होते हुए बिल्डर से कहा। तो ये थी स्टोरी जंगल हीरोज की दोस्तों, उम्मीद आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और इससे पहले आप इस वीडियो को छोड़कर जाओ कॉमेंट्स में मुझे जरूर से बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, गोब्लिन्स की ओरिजिन स्टोरी, आर्चर की ओरिजिन स्टोरी या माइनक्राफ्ट से विच की स्टोरी। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और मजेदार सी वीडियो में। देखने के शुक्रिया, फिर मिलते हैं।